SCHAN presents Educational Video Lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. So just like we take food, just maybe we are vegetarian or non-vegetarian. It depends. What kind of nutrients are required for plants? Is it the same as that of animals? क्या प्लांट को रिक्वायरमेंट जिन न्यूट्रिएंट्स की होती है वो हमारी तरह ही होते हैं या डिफरेंट होते हैं वी विल लर्न इट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अबाउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एंड मिनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्लांट्स एंड हाउ दे मीट दीज डिमांड्स वेलकम टू अशांत अकेडमी माई नेम इज़ आदित्य एंड विल बी टॉकिंग अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन दिस वीडियो अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो एशांत पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दिस बुक्स यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड लिंक फॉर ई बुक्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वी टॉक अबाउट मिनरल न्यूट्रिशन इन दिस वीडियो सो यू नो दैट वी रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रियट्स बींग एनिमल्स द सेम काइंड ऑफ न्यूट्रिय्स मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स हमारे लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है ज़रूरी नहीं है कि प्लांट के लिए भी उतनी ही क्वांटिटी में उन चीज़ों की जरूरत हो बिकॉज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट इन बोथ दी ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन uh, का मैकेनिज्म है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक सो मोस्टली वी टेक रेडीमेड थिंग्स हम ज़्यादातर चीज़ें रेडीमेड कंज्यूम करते हैं जो ऑटोट्रॉप्स बना चुके होते हैं लेकिन जब ऑटोट्रॉप्स की बात की जाती है दे विल सिंथिसज द फूड एंड दिल देर फोर रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर रॉ फॉर्म्स रॉ फार्म मीन्स द एलिमेंटल फॉर्म्स और मोलिकुलर फॉर्म्स विच आर फाउंड इन द नेचर उन्हीं चीज़ों को वो यूज करेंगे और प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ऐसे तो बीस एलिमेंट्स हैं टोटल जो उनको जरूरत होती है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन चार एलिमेंट्स से करीब करीब प्लान्ट का नाइन्टी फाइव परसेंट हिस्सा बना होता है सो वी कैन कंसिडर दीज फोर एलिमेंट्स एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट यू मे नोट एंड यू कैन रिमेंबर परुक एट एनिमल्स और अदर लाइफ फॉर्म्स दीज फोर एलिमेंट्स विल बी कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ लाइफ के लिए भी ये चार एलिमेंट्स असेंशियल है यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज बिग फोर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ एंड इन केस ऑफ प्लांट्स पर्टिकुलरली इट हैज़ बीन नोटेड दैट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइन्टी फाइव परसेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका जो बॉडी वेट है वो वो इन्हीं एलिमेंट्स से बनने वाले प्रोडक्ट से आता है एंड अमंग देम ऑल्सो अगर आप इनमें भी बात करें सो अ लॉट ऑफ प्रपोर्शन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मोस्ट ऑफ द वेट कम्स फ्राम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक वाटर तो ये तो थी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स की प्लांट सिस्टम में लेकिन अब हम बात करेंगे जैसा कि यह हेडिंग दिया हुआ है असेंशियल एलिमेंट्स की सो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड असेंशियल एंड देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड रिक्वायर्ड असेंशियल चीजें जो होती हैं उनके बिना प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं कर सकते और अगर वो चीजें नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं उनका जो लाइफ साइकिल है उनका जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का उनमें जो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा तो ऐसे करीब करीब ट्वेंटी एलिमेंट्स लिस्ट आउट किए गए हैं बीस एलिमेंट्स हैं विच आर कंसिडर टू बी असेंशियल फॉर प्लांट सिस्टम मैं एक बार फिर आपको वो पॉइंट्स गिना देता हूँ जिनके बेसिस पर एक न्यूट्रिएंट को प्लांट के लिए असेंशियल माना जाता है एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको हटा देने से प्लांट का लाइफ साइकिल पूरा ना हो एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट के कोर बायोकेमिकल पाथवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको रिप्लेस ना किया जा सके कोई और न्यूट्रिएंट उसका काम ना कर सके ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कहते हैं वी कॉल देम असेंशियल एलिमेंट्स यू कैन को रिलेट दैट विथ आवर बॉडी विथ ह्यूमन सिस्टम्स हम देखिए ज़्यादातर रेडीमेड चीज़ें लेते हैं हम एलिमेंट्री लेवल पर एलिमेंट के लेवल पर चीज़ें नहीं कंज्यूम करते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू मिनरल्स प्रोटीन्स हमारे शरीर में जो है बन जाते हैं अमीनो एसिड से और ज़्यादातर अमीनो एसिड प्लांट से ही आते हैं जिनमें से हम कहते हैं कि जो अमीनो एसिड प्लांट से आ जाते हैं उनको हम नाम देते हैं असेंशियल अमीनो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स का जो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं और जो प्लांट्स से आते हैं उन्हें हम कहते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स लेकिन प्लांट तो अपने अमीनो एसिड खुद ही बनाएंगे ना प्लांट के लिए तो ऐसा नहीं है कि कहीं से रेडीमेड अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे सो दे विल ऑलवेज नीड बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बेसिक एलिमेंट्स फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड एज आई टोल्ड यू दैट स्टार्ट्स विद दीज बिग फोर ये जो चार एलिमेंट्स हैं इनसे शुरुआत होती है फर्दर वी कैन डिवाइड दीज असेंशियल एलिमेंट्स इन टू कैटेगरीज हम इन असेंशियल एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट बहुत ही ट्रेसेस में बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं सो वी कॉल आईदर मैक्रो न्यूट्रियट्स और वी कॉल माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स जो ज़्यादा अमाउंट में जरूरत है उनको माइक्रो न्यूट्रियट्स जो कम अमाउंट में जरूरत है उनको माइक्रो देर वॉज ऑल्सो अ फंडामेंटल लॉ कई सेंचुरी पहले लिबिग ने एक लॉ दिया था लॉ ऑफ मिनिमम और ये एक्चुअली इस बात को स्टैब्लिश करता है कि रोल क्या है मिनरल्स का रोल क्या है न्यूट्रिएंट का इन्होंने कहा था कि कुछ असेंशियल मिनरल्स हैं कुछ असेंशियल चीजें हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट को हमेशा होती है और अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो प्लांट में उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लगेंगे दैट वाज द लिबिक्स ऑफ मिनिमम और तभी से फिर लोगों ने एक्सप्रे रिसर्च करना शुरू किया ढूंढना शुरू किया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट के लिए असेंशियल होती हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी कमी से उसमें डेफिशेंसी सिम्टम्स आने लग जाएंगे और फिर कुछ ही साल बाद ये पता चला कि पोटेशियम प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे डिस्कवर हुआ आपने भी कभी कभी अपने गार्डन में या कभी ओपन एरिया में गए हैं क्रॉप्स में देखा होगा कि प्लांट को सब कुछ ठीक मिल रहा है सनलाइट ठीक मिल रही है पानी भी मिल रहा है लेकिन फिर भी उसकी कभी कभी लीव्स येलो होने लगती हैं कभी कभी येलो स्पॉट्स पड़ने लगते हैं कभी स्टेम पर्पल कलर का होने लगता है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं प्लांट में वो अक्सर नोटिस की जाती हैं न्यूट्रिय डेफिशेंसी में जैसे हम लोगों में विटामिन की डिफिशियंसी से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है विटामिन सी नहीं होगी तो स्कर्भी हो जाएगी या पेलाग्रा हो जाएगा किसी और विटामिन की डिफ़िशेंसी से डी नहीं होगी तो फिर बोन्स डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा तो इसी तरह से प्लांट के लिए भी किसी मिनरल की कमी होने से एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपेयर होने लगते, है, है, आ, लगते हैं करेक्टरिस्टिक जो हैं चीज़ें दिखने लगती हैं सो इफ यू जस्ट ट्राई टू लुक एट अगर हम इस बात को ध्यान दें इस बात को समझने की कोशिश करें कि मिनरल्स कौन कौन से हैं तो सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रियट्स की बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रियट्स का मतलब होता है ये ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है अब ज्यादा अमाउंट ये नहीं कि आप पूरा एक बोरा भर के प्लांट के ऊपर डाल दो किसी न्यूट्रियट का तो वो आराम से ग्रो करेगा देर इज ऑल्सो एन अपर लिमिट अपर लिमिट भी है अगर प्लांट को कोई न्यूट्रिय लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा मिलेगा तब उसमें टॉक्सिसिटी भी हो सकती है कई सारे एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी होती है और उससे भी प्लांट की ग्रोथ को नुकसान पहुंच सकता है लेकिन अगर हम माइक्रो न्यूट्रियट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं एनपीके एनपीके एक फर्टिलाइज़र होता है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं उसको अक्सर यूज़ किया जाता है एन को तो तीन सबसे एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में जो चाहिए वो है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम नाउ आफ्टर दिस देर आर आ फ्यू मोर मिनरल्स दैट इज यू कैन रिमेंबर इट लाइक कैम्स सो इट इज कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर ओके तो ऐसे याद रख लीजिए एनपीके कैम्स, एनपीके कैम्स अगर आप याद रखेंगे ये वर्ड तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इस एक्रोनिम की मदद से याद रखा जा सकता है एनपीके कैम्स, कैंप्स नाउ ईच ऑफ दिस एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सम एसेंशियल फंक्शंस इनमें से ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ज़्यादातर चीज़ें जो हैं या तो वो प्रोटीन का हिस्सा होते हैं प्रोटीन्स आप जानते हैं कि एंजाइम भी हो सकते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स भी हो सकते हैं तो इनके बिना बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी तो अक्सर इनके जो डिफिशेंसी है वो सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं जैसे अगर सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन कमी हो जाएगी नाइट्रोजन अगर नहीं रहेगी तो लीव्स येलो होने लगती हैं अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो कुछ स्पॉटिंग होने लगती है स्पॉट्स बनने लगते हैं येलो कलर के पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो कई बार स्टेम पर्पल होने लगता है एक्चुअली इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाती है फोटोसिंथेसिस जब कम होती है तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स इनकी भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ये भी धीरे धीरे अपने आप डिग्रेड होने लगते हैं और इसकी वजह से पूरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्ट्यून्ड हो जाती है और वी विल ऑल्सो फाइंड दैट मैग्नीशियम कैल्शियम ये फ्लावरिंग को भी इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट में फ्लावरिंग डिलेड हो सकती है फ्रूट जल्दी पेड़ से गिर सकते हैं कच्चे ही गिर सकते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे इसके पीछे का रीज़न यही है कि ये ज़्यादातर न्यूट्रिएंट ज़्यादातर मिनरल्स जो हैं बहुत सारे प्रोसेसेस में लाइफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं या तो ये बेसिक एंटिटीज बनाते हैं या फिर ये किसी एंजाइम का कोफैक्टर होते हैं सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स दीज मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल मैक्रो मिनरल्स और मैक्रो न्यूट्रियट्स वी विल टॉक अबाउट माइक्रो न्यूट्रियट्स जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक हाई आई एम मानिका एंड यू आर वॉचिंग एस चांद अकेडमी I'll be discussing the topics like carbohydrates, amino acids, peptides, proteins, and many other topics related to B.Sc. program. For more such lecture, you can stay tuned to our channel and subscribe to our videos so that you get more and more info about our upcoming lectures. You can also refer to our previous lectures on the related topics. Stay tuned, stay focused, because it may help you in your competitive exams also and preparation of the other topics also related to your courses. Thank you. वेलकम बैक टू एस चंद एकेडमी ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे मिनरल्स uh, की कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं और इनमें हमने बात की ये छह इंपॉर्टेंट मिनरल्स की छह इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जो कि माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स कहलाते हैं और ये ज़्यादा अमाउंट में रिलेटिवली इन इन माइक्रोमोलर क्वान्टिटीज़ टू मिलीमोलर मूलर क्वान्टिटीज़ इन अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो असेंशियल तो हैं यानी कि उनके बिना प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड होगी लेकिन उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं कंपेयर टू दीज दे आर ऑलमोस्ट थाउजेंड फोल्ड डेस हज़ार गुना या उससे भी कम अमाउंट में इनके कंपैरिजन में वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो इसको याद रखने की ट्रिक हमारे पास थी एन के एक कॉमन फर्टिलाइज़र है जो फार्मर्स भी यूज़ करते हैं तो एन पी के कैम्प ये एक तरीका था इसको याद रखने का ऐसे ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं उनको याद करने के लिए आप कुछ इस तरह की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं आयरन मैन विच स्टैंड फॉर आयरन एंड मैंगनीस देन सोकोबोमो यू हैव सोडियम कोबाल्ट बोर मोलिबिडनम एंड देन यू हैव जिकोजिकल विच स्टैंड फॉर जिंक कॉपर सिलिकॉन एंड क्लोरिन सो दिस विल भी कंसिडर्ड एज माइक्रो न्यूट्रियट्स एज पर द डेफिनेशन एज आई मैं विल भी रिक्वायर्ड इन सम माइक्रोमोलर टू नैनोमूलर क्वान्टिटीज़ इन्फैक्ट द स्लाइटेस्ट इंक्रीज़ इन एनी ऑफ दिज न्यूट्रियट अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा चले जाते हैं सॉइल में या ज़रूरत से ज़्यादा प्रजेंट होते हैं तो वो प्लांट को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं उनको टॉक्सिसटी भी कर सकते हैं अगर हम इनकी एक जनरल नीड की बात करें कि इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन और मैंगनीज़ ये दोनों ही बहुत सारे एंजाइम्स के कोफैक्टर हैं आप आगे चलकर आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें साइटोक्रोम्स की ज़रूरत होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनके कोर में कॉपर प्रेजेंट होता है जिनके कोर में आयरन प्रेजेंट होता है तो अगर आयरन की कमी होगी तब वो प्रोटीन बनेंगे तो लेकिन वो कंप्लीट नहीं बन पाएंगे और उनकी कमी होने लगेगी तो फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है वो अफेक्टेड हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस अगर अफेक्टेड हो जाएगी तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी तो इसलिए आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल प्रोटीन्स एंड देर फॉर इट्स डेफिशंसी में भी हार्मफुल सिमिलरली मैंगनीज दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सम ऑफ द असेंशियल प्रोसेस इन प्लांट कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन वी विल लर्न लेटर इन कमिंग वीडियोस आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो कहाँ से मिलती है एन्वायरमेंट से हमें तो नाइट्रोजन प्लांट से मिल जाती है हम दालें खा लेते हैं प्रोटीन खा लेते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड खा लेते हैं वहाँ से नाइट्रोजन आ जाती है हमारे शरीर में लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है एन्वायरमेंट से बाई अ प्रोसेस कॉल नाइट्रोजन फिक्सेशन विच इज़ अ सेपरेट वीडियो जो अपने आप में एक न, अलग टॉपिक है और हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में लेकिन उस प्रोसेस में जिस एंजाइम की जरूरत होती है उस एंजाइम के लिए मैग्नीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई अब तक आयरन एंड मैग्नीज़ नाउ देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स अदर मिनरल्स विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल मेटाबोलिज्म इनसाइड प्लांट सेल लाइक सोडियम नो सोडियम विल बी रिक्वायर्ड एवरीवेयर कोबाल्ट इज अगेन को फैक्टर ऑफ सर्टन एंजाइम्स बोरॉन इज को फैक्टर ऑफ सर्टन एंजाइम्स एंड रोल मॉलिबिडनम डिस्कवर्ड लिटिल लेट काफ़ी टाइम बाद इसके रोल के बारे में पता चला था और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रियट है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है इसके अलावा अगर हम बात करें जिंक कॉपर सिलिकॉन और क्लोरीन की तो इनमें से कुछ तो बेसिक आयंस हैं जो सेल के आ, सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं कुछ उसकी सेल वॉल को मजबूत बनाने का काम करते हैं जैसे कि सिलिकॉन कॉपर अगेन कुछ एंजाइम्स का पार्ट होता है सेंटर्स का पार्ट होता है तो ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं ये प्लांट के लिए असेंशियल हैं लेकिन अब कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी तो हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो असेंशियल है उसके बिना भी प्लांट सर्वाइव करेगा उसके बिना भी प्लांट ग्रो करेगा लेकिन अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो ऐसे मिनरल्स जो हैं दे प्रमोट द प्लांट ग्रोथ इन अदर वेज लाइक सेलेनियम वेनिडियम इस तरह के एलिमेंट हैं सेलेनियम कई सारे प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होता है एंड दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द प्लांट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज जो लगातार ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है सन की वजह से यूवी की वजह से उसको बचाने के लिए सेलिनियम मदद करता है वेनेडियम कुछ एंजाइम्स का पार्ट होता है अगेन दिस विल बी पार्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइकिल देर देर इज ऑल्सो अनदर एंजाइम कॉल्ड यूरिएज विच ऑल्सो हैव सर्टन काइंड ऑफ को फैक्टर्स तो मेजोरिटी ऑफ मिनरल्स विल आइदर वर्क एज को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स और असेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स और दे विल बिहेव एज सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स फॉर मेंटेनिंग द आयनिक स्ट्रेंथ इनके लिए काम करेंगे जैसे सोडियम और पोटेशियम है अपार्ट फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ एंजाइम दे आल्सो हेल्प इन पंपिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और पंपिंग ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पम्प हमारे शरीर में भी वो होता है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग सोडियम पोटेशियम पम्प पर डिपेंड करती है अगर हम कोई ऐसा इनहिबिटर इंजेक्ट कर दें किसी एनिमल में जिससे कि सोडियम पोटेशियम पंप ब्लॉक हो जाएगा तो पूरे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है सो आयंस आर वेरी मच असेंशियल फॉर द फंडामेंटल प्रोसेसिस ऑफ द सेल एज वेल एज ऑफ द लाइफ नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑल दीज मिनरल्स विच वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज न्यूट्रियट दे आर टेकन बाई द प्लांट फ्रॉम सॉयल प्लांट को ये सारे न्यूट्रियट कहां से मिलते हैं ज्यादातर न्यूट्रियट सॉइल से ही मिलते हैं अगर एटमॉस्फेयर की भी कुछ चीजें हैं तो गैसियस फॉर्म में वो उनको एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर गैसेस को माइक्रोब्स के थ्रू फिक्स किया जा सकता है और फिर वो आयन मन के प्लांट में एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं सो देर इज अ कम्बाइंड थ्योरी और अ कम्बाइंड मैकेनिज्म विच इज पॉपुलरली कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप सैप का असेंट बेसिकली सैप किसे कहते हैं सैप कहते हैं पानी में बहुत सारी चीज़ें जो घुली हुई हैं जो न्यूट्रियट घुले हुए हैं मिनरल्स आयन्स इन सब चीज़ों को मिलाकर बनता है सैप और वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर में ज़मीन में अंदर प्रेजेंट रहता है आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में जब हम इकोलॉजी की बात कर रहे थे एक सेमेस्टर में तब हमने सॉइल की हॉराइजन्स की बात की थी और देखा था कि सॉइल के साथ कई तरह के वाटर एसोसिएटेड होते हैं कुछ केमिकली एसोसिएटेड होता है कुछ उसके साथ हाइग्रोस्कोपिकली एसोसिएटेड हो सकता है कुछ कैपिलरी एक्शन uh, के थ्रू एसोसिएटेड हो सकता है और जब बहुत ज़्यादा पानी होता है सॉइल में जब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाने लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं तो केमिकली एसोसिएटेड वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्लांट ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बट व्हेन देर इज़ ग्रेविटेशनल वाटर जब जमीन जो है सेचूरेटेड होती है पानी उसमें ज़्यादा होता है तब प्लांट की रूट्स जो है उस पानी को खींचती हैं और सिर्फ पानी नहीं खींचती हैं उनका काम पानी पीना नहीं है the purpose of extracting that water from the soil is to take up those essential nutrients which we have been talking about so most of the plants they have a very well designed system of you can say pipelines plant can there, be well designed pipelines hoti hai, tube systems hote jo ki se, se pani nikal kar or nutrient nikal kar, plant ke sare parts hai. and we call this entire thing as and we call that as ascent of sap सो इफ यू स्पेसिफिकली लुक एट दो ट्यूबिंग्स अगर हम उन ट्यूबिंग्स की बात करें जो प्लांट के अंदर होती हैं सो देर आर टू काइंड ऑफ ट्यूबिंग्स एंड टू काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ सैप एक मूवमेंट सैप का होता है जो रूट से ऊपर की तरफ होता है जो यहां ब्लू कलर से दिखाई दिखाया गया है दैट विल बी मेनली शोइंग यू ऑफ द एब्जॉर्ब्रिय फ्रॉम सॉइल सेंडिंग इट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट देन द सेकेंड काइंड ऑफ सैप इज द वन विच इज सिंथेसाइज बाई दीज ग्रीन पार्ट्स दूसरा सैप क्या है प्लांट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट्स uh, और बाकी चीज़ों के साथ मिलकर फूड बना रहे हैं बट दैट फूड के नॉट रिमेन इन लीव्स फॉर लॉन्ग टाइम इट नीड टू बी सर्कुलेटेड ऑल ओवर द प्लेसेस एंड इफ इट रिक्वायर्ड अगर वो एक्सेस में बन रहा है इट कैन बी स्टोर्ड इन सम पार्ट्स लाइक ट्यूबर्स सो देर इज सेकेंड मैकेनिज्म दैट वी विल सी इन सबसिक्वेंट वीडियो विच इज कॉल्ड एस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड सो फॉर बोथ दिस परपज़ इन दोनों कामों के लिए अलग अलग तरह की ट्यूब्स होती हैं एक ट्यूब जो नीचे से ऊपर तक पानी ले जाने का काम करती हैं और दूसरी तरह की ट्यूब्स जो न्यूट्रिएंट को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती हैं फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती हैं इनको बेसिकली दो अलग अलग नाम दिए जाते हैं एक सिस्टम जाइलम सिस्टम कहलाता है जो पानी का अब्जॉर्बशन और न्यूट्रिय की सप्लाई करता है दूसरा सिस्टम जो फूड की डिलीवरी कहलाता है, करता है उसे हम फ्लोएम सिस्टम कहते हैं सो वी हैव जाइलम्स एंड फ्लोएम्स एज स्पेशज टिश्यूज़ इन मोस्ट ऑफ़ द एनजियपॉम्स एंड जिमनोसपम्स ज़्यादातर जो डेवलप्ड प्लांट्स हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं एंड दे परफॉर्म असेंट एंड डिसेंट ऑफ सेप सेप के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इफ़ यू स्पेसिफिकली लुक एट द डिटेल्स तो ये जो ट्यूब्स होती हैं बेसिकली जाइलम की जो ट्यूब्स होती हैं अगर इनको हम देखेंगे तो जाइलम ट्यूब्स ऐसी सेल्स की बनी होती है जिनकी सेल वॉल काफी थिक हो चुकी होती है मजबूत हो चुकी होती है और उन पर एक स्पेशल टाइप का केमिकल अटैच होता है जिसका नाम होता है लिग्निन तो आप ये कह सकते हैं कि द वॉल्स ऑफ जाइलम आर लिग्निफाइड लिग्निफाइड हो जाती हैं वो द पर्पज ऑफ मेकिंग दम लिग्निफाइड इज वो पाइप जो है हार्ड होने चाहिए ना आप देखो घर में जो पानी की पाइपलाइन होती है दीवारों के अंदर से जो पाइपलाइन बनाई जा लगाई जाती है वो ऐसा तो नहीं है ना उसमें प्लास्टिक का पिचकने वाला पाइप लगा देंगे जो आप गार्डन में यूज़ करते हैं अगर वैसा पाइप लगा देंगे तो क्या होगा ब्रिक्स के प्रेशर की वजह से या किसी चीज़ की वजह से वो दब जाएगा तो पानी नहीं आएगा तो ऐसे ही प्लांट में जहाँ उनको लगातार इन्वायरमेंट से फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है हवा चलती है वो मुड़ते हैं तो उनके अंदर जो ट्यूब्स हैं वो इतनी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए कि किसी भी फिजिकल फोर्स से वो जो एसेंट ऑफ सैप है मूवमेंट हो रहा है वो खराब हो जाए तो डेवलपमेंट के दौरान वो सेल्स इतनी हार्ड कर दी जाती हैं इतनी मजबूत कर दी जाती हैं बाई सिक्रीशंस फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स जो आजू बाजू की सेल होती हैं बगल की सेल होती हैं वो केमिकल सिक्रीट करती हैं और लिग्निन विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेवरल फिनॉलिक ग्रुप्स उसमें बेसिकली फिनॉलिक ग्रुप्स होते हैं सो दैट मेक्स दैम हार्ड

ट्यूबिंग्स इतनी फाइन होती हैं, इतनी थिन होती हैं दैट दे बिहेव लाइक अ कैपिलरी आपने देखा होगा कैपिलरी में कैसे पानी ऊपर चढ़ जाता है अगर आप ग्लास की फाइन ट्यूब कहीं पानी के ऊपर रखो तो पानी उसमें अपने आप ऊपर चला जाएगा एंड द रीजन फॉर कैपिलरी एक्शन इज वॉटर वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर दे एक्सपीरियंस अ वीक इंटरैक्शन विद दॉल्स उस ग्लास की ट्यूब से पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड दे गेट अटैच टू दिस पार्ट एंड देयर फॉर ग्रेजुअली दे राइज अप इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन इसी की वजह से रेत में पानी डालो नीचे कहीं पानी गिराओ ऊपर चढ़ जाता है दीपक में जब आप ऑयल डालते हैं तो ऊपर तक ऑयल चला जाता है वो जलने लगता है या कपड़ा आपका कहीं किसी गीली जगह पर टच हो जाए तो पानी ऊपर तक चढ़ जाता है दैट्स ऑल कैपिलरी एक्शन बट वी शुड रिमेंबर

तो इतनी ज्यादा हाइट तक पानी ले जाने के लिए कैपिलरी एक्शन सही नहीं है सो दिस थ्योरी डिड नॉट स्टैंड टू मच ये थ्योरी बहुत दिन तक नहीं सर्वाइव कर पाई कैपिलरी एक्शन वॉज नॉट द राइट मैकेनिज्म देन केम अनदर थ्योरी वेर इंस्टेड ऑफ एडहेशन कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेशन वॉज अप्लाइड आई मीन इट इज नॉट द वॉल ऑफ जाइलम विच आर अट्रैक्टिंग

that potential is uh, attributed by various factors. allagalic factors se contribute to that. it can be either osmotic potential or it can be gravitational potential or it can be metric potential. so that potential of the water due to the difference in the potential, this water experiences a pressure and then it moves up. moreover, an addition was done to this. A addition is add add gaya. that is called as. ट्रांसपिरेशन पुल ये पानी सिर्फ अपने आप ऊपर नहीं जाता है बल्कि प्लांट के जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं जो लीफ हैं जो स्टेम है वहाँ से लगातार पानी इवेपोरेट हो रहा है एन्वायरमेंट में जा रहा है तो उस पानी के इवेपोरेट होने से इस ट्यूब में जो खाली जगह बन रही है दैट इज कॉजिंग अ सक्शन फोर्स विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपीरेशनल पुल ट्रांसपेरेशन की वजह से खिंचाव महसूस हो रहा है उस पानी में वो नीचे से खींचा जा रहा है जैसे आप स्ट्रॉ से अगर पानी पिए तो ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं नीचे से अगर स्ट्रॉ में कोई चीज़ आ रही है तो यू आर अप्लाइंग अ पुल एग्जैक्टली इन द सेम वे देर इज अ सक्शन विच इज़ बिंग अप्लाइड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ दिस वाटर टू अ ग्रेट हाइट तो अब ये मानना है साइंटिस्ट का हालांकि इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डिबेटेबल है ये क्वेश्चन प्रेशर थ्योरी

एब्जॉर्बशन किस तरह से होता है कौन सी थ्योरीज हैं और आपने ये देखा कि किस तरह से रूट्स की मदद से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और मिनरल्स हैं वो जमीन से ऊपर के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंच पाते हैं सो दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक्स अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो एशांत पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दिस बुक्स यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड लिंक फॉर ई बुक्स So, if you are liking and enjoying these videos, do not forget to like, share, and subscribe the channel. And you may press bell icon for regular updates. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.